Dear students, assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे ये जो हमारी स्टोरी थी ये ए शेडो, इसके ग्रामर वर्क में लास्ट वाला पोर्शन जो हमने उठाया है नरेशन का, आधा ही हमने कल पढ़ा था तो उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस में कोई तब्दीली नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। आप बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर किसी फिगर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए एडवर्ब में मदरजा ज़ेल तब्दीलियां आती है, एडवर्ब में तब्दीलियां आती है, मैं यहाँ पे लिखूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इनमें जो एडवर्ब होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है ये नोट करना आप। नाउ नाउ दिस दीज हेयर एगो टुडे टुमारो यस्टरडे लास्ट नाइट नेक्स्ट मंथ। देन इसी फिरके को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए एडवर्ब में होने वाली तब्दीलियां कौन कौन सी, जब भी कोई एडवर्ब्स होगा उसमें कौन कौन सी तब्दीली आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने बनाया है, इस पे मैंने लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपीज पर नोट कर लीजिए। जैसे है नाउ, नाउ को इनडायरेक्ट में आ जाएगा, देन दिस दैट दीज दोज हेयर देयर एगो बिफोर टूडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। ये डायरेक्ट में इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब, और जब इनको इनडायरेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है तो ये लिखा जाता है। जैसे नाउ को आप लिखेंगे दिन, दिस की जगह आ जाएगा दैट, इनडायरेक्ट में दीज दोज हेयर देयर, इस तरह ये मैंने लिखे हैं, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने एक चीज यहाँ पे और याद रखनी है, वो मैं आपको बताती चलू बच्चों। एंड द इंटरगेटिव, द इंटरगेटिव इज चेंज इनटू इंसर्टिव फॉर्म्स एंड द साइन ऑफ द इंटरगेशन इज रिमूव्ड। इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है, इंटरगेटिव सेंटेंस बोलते किसके हैं, किसको ही किसे बोलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें किसी को कोई सवाल पूछा जाए और लास्ट पर उसको क्या हो, नोट ऑफ नोट ऑफ इंटरगेशन का निशान हो। तो ये मैंने आपको बताया है, हमने पढ़े हैं सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं अलग सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया है, आप फिर देख सकते हैं बच्चों। तो इंटरगेटिव सेंटेंस क्या है, और यहाँ पे जब बोलते हैं द इंटरगेटिव इज चेंज इंटू असर्टिव फॉर्म, अगर ये यहाँ पे नरेशन में यहाँ पे हमें आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स में, जब हमें ये चेंज करना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना होगा बच्चों, तो जो भी सवालिया जुमला होगा वो असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक चीज, एंड द साइन ऑफ द इंटरगेशन इज रिमूव, और जो साइन होगा इंटरगेशन का वो रिमूव हो जाएगा इंटरगेशन में, ठीक है ना, इंटरगेटिव सेंटेंस में। द इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल्सो रिमूव्ड एंड वर्ड्स अदर देन द कंजंक्शन दैट आर यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। हमने पढ़ा पीछे रूल नंबर फर्स्ट में, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे और उनके बीच में क्या होगा, एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो दैट आता है, कंजंक्शन जो मिलाता है इन जुमलों को, जोड़ने वाला मिलाने वाला वर्ड, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। When the question begins with interrogative pronouns in direct speech, who, what, which, whom, whose, etc., and with an interrogative adverb, when, where, why, how, etc., the same pronouns to adverb is used to introduce the indirect speech without conjunction that.
ठीक है। यहां पे जैसे हम लिखेंगे ही सेड व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ही सेड व्हाट इज योर नेम, ये आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट स्पीच में। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे हम, ही आस्केड, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे ही आस्केड व्हाट माई नेम वाज। देखो बच्चों, डायरेक्ट में आपने देखे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, प्लस क्या था, नोट ऑफ इंटरगेशन, क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहां पे सबसे पहले कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास खत्म, ठीक है ना, और नोट ऑफ इंटरगेशन जो है वो भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखने की है, ये रूल्स जो है और ये चीजें जो है इन्हीं ही को याद रखना है। When the question is indirect begins with including auxiliaries is, am, or was, do, does, have, had, where, can, will, would, etc. conjunction whether or if is used. जब यहां पे होगा is, am, or was, do, does, have, ठीक है ना, had, where, can, will, would, etc. तो इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, कंजंक्शन यहां पे इस्तेमाल हो जाएंगे, कंजंक्शन यहां पे कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल हो जाएगा, whether, ठीक है ना, और if, इसको इनको यूज करना है हमने टू इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या इस्तेमाल करना है, कंजंक्शन को, वेदर और इफ, ठीक है बच्चों। जैसे ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा, ये डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। आर यू विजिटिंग माई फैमिली टूडे, आर यू विजिटिंग माई फैमिली टूडे, ठीक है बच्चों। ये आ गया डायरेक्ट स्पीच में। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना, शी आस्क्ड मी, ठीक है, यहां पे कामे वामे खत्म हो जाएंगे। अब इफ आई वाज, इफ का इस्तेमाल हो गया, इफ आई वाज विजिटिंग, इफ आई वाज विजिटिंग हर फैमिली, हर फैमिली, आप मुझे बता सकता है, कोई भी बच्चा क्या मुझे बता सकता है, टूडे के बदले हम यहां पे क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये चेंज हो जाएगा। अभी मैंने ये टेबल आपको यहां पे लिखाया था, शाबाश, एनी बडी टेल मी, टूडे को लिखेंगे हम यहां पे दैट डे, ओके। इन चीजों को बच्चों, ये चीजें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होती है और जिनका किस जगह पर इस्तेमाल होता है, जो रूल्स है, ये आपको पता होने चाहिए। जब आप लोगों को इन चीजों का पता हो जाएगा, जब आप इन चीजों से वाकिफ हो जाएंगे, तो यू विल डू ऑल दी एक्सरसाइज, ठीक है। आप अच्छे से, आप ये जो हमारी एक्सरसाइज हमारे पास आ गई, नाउ चेंज द रिटनेशन ऑफ द फॉलोइंग, हम इसको अच्छे से चेंज कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इंशाल्लाह अब हम करेंगे, अब तो बच्चों ये थे हमारे रूल्स और किसका क्या एडवर्ब में क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट में क्या चेंज करना है, डायरेक्ट में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या चेंज करना है, कौन कौन सी चीजें, कहां वेदर, कहां इफ का इस्तेमाल होता है, कहां दैट का इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें, ये कंफर्म होगी आपको, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी असली, अपनी जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर हम पहुंचेंगे। तो ओके, टेक केयर।